अरे आप इतनी जल्दी लौट आए? हाँ क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं? आप तो फ्लैट का सौदा करने गए थे ना? हाँ फ्लैट लेने की हमें जल्दी तो है, लेकिन जल्दबाजी में हम कोई गलत सौदा तो नहीं कर सकते। गलत सौदा? लेकिन आप तो कह रहे थे जिसका वो फ्लैट है उसकी रामलाल इंडस्ट्री में कोई फैक्ट्री है। फ्लैट बड़ा है, महंगा भी है। हाँ फ्लैट तो बंगले की तरह है। अगले महीने हमारा बेटा अपनी बहू को लेकर अमेरिका से वापस आ रहा है। वो फ्लैट तो हम लोग के लिए सही है, लेकिन तुम्हें मालूम है जिस वक्त मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ? मगर साहब यहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी कांच पर तो गिरी थी और ये कांच चूर चूर हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। नहीं वो लड़की मेरे सामने ऊपर से गिरी थी, इसी कांच के ऊपर गिरी थी। साहब आपका वहम है ये। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उस लड़की को ऊपर से गिरते हुए देखा है, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। हाँ एक लड़की गिरकर मरी जरूर थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले 10वें माले से अवस्थी जी की बहन और उनके माँ बाप गिरकर मरे थे। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। खन्ना साहब आई एम सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आइए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। मुझे इस बिल्डिंग में कोई फ्लैट नहीं चाहिए। देखिए खन्ना साहब, इस पॉश इलाके में इतना अच्छा फ्लैट आपको इतने सस्ते दामों में कभी नहीं मिलेगा। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। खन्ना साहब शायद प्रदीप अवस्थी जी का कोई प्रॉब्लम रहा होगा, वरना वो इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते दामों में कभी नहीं बेचते। प्रदीप अवस्थी? ये वही है जिसकी बालकनी से कुछ लोग गिर के मर गए थे? आपको कैसे मालूम पड़ा सर? मुझे मालूम है। चलो यहाँ से। सर प्लीज मैं अवस्थी साहब को खबर कर दूं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। हेलो अवस्थी, आप कौन? अवस्थी साहब मैं एस्टेट एजेंट अहमद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अहमद, अरे यार तुम पार्टी लाने वाले थे ना फ्लैट दिखाने के लिए, क्या हुआ उसका? आई एम सॉरी अवस्थी साहब, 2-4 लोगों ने मुझे आपके फ्लैट के बारे में बताया था पर मुझे यकीन नहीं था। आई एम सॉरी आपके फ्लैट पर कोई मनुष्य आया है। क्या साया है? मैं इसे नहीं बिकवा सकता, मैं जा रहा हूँ। अब अहमद अहमद सुनो तो। बिक सकता? नहीं जी, हमें वो काली छाया वाला फ्लैट नहीं चाहिए। आप कोई दूसरा फ्लैट क्यों नहीं देखते? ठीक है, रिचा कहाँ है? रिचा अपने कमरे में है। पता नहीं उसने वो खुदकुशी करने वालों पर जब से रिसर्च शुरू की है उसके कमरे में अखबार ही अखबार बिछे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ। वाओ,
तुमने तो अपने कमरे को अखबार का दफ्तर बना दिया है। How are you? I'm fine. तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठंडा हो रहा है और मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। चलो डैड, बस एक फाइल ओपन करनी है, इसके बाद में आती हूँ। ओके ओके डैड, यू नो। ओह यस, थैंक्स। ये लड़की, शी इज नंदिनी अवस्थी। बेटा मैं जो आज फ्लैट देखने गया था, मेरे सामने ये लड़की उस बिल्डिंग से गिरी थी। What? कौन से लथपथ, और मेरे सामने मर गई। What are you talking, Dad? ये तो शहर का सबसे मशहूर केस है और इस लड़की को मरे हुए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल? उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी यही कहा था। डैड, आपने इस लड़की का चेहरा किसी अखबार या कहीं और देखा होगा और वो चेहरा आपकी आंखों में बस गया, बस, और इसमें कोई सच्चाई नहीं। और मैं तो इस केस को इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि लड़की MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, ये डॉक्टर बनना चाहती थी, और सवाल ये पैदा होता है कि इसने खुदकुशी क्यों की। पता नहीं लोगों की जिंदगी में ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि उन्हें खुदकुशी करनी पड़ती है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कम। जी डैड। अगर मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मेरी मौत कैसे हुई। अरे तुम तैयार नहीं हुए? डार्लिंग, तुम तैयार क्यों नहीं हुए? खाना खाने बाहर जाना था ना। अरे बाहर में क्या बाहर जाना, यहाँ सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता जा रहा है, फैक्ट्री बंद हो गई है। सोचा था ये फ्लैट बेचकर फैक्ट्री दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन ये फ्लैट बिकने को तैयार ही नहीं। लोग आते तो हैं पर पता नहीं क्यों फ्लैट बिना देखे ही वापस चले जाते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक सब ठीक होगा, ये फ्लैट बिकने को तैयार नहीं। अब सोचता हूँ फैक्ट्री बेचकर ही नया बिजनेस शुरू करूं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है, सब मेरी वजह से सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओके, आई एम सॉरी, हम क्यों लड़ रहे हैं, लड़के क्या फायदा, जल्दी चेंज करो, बाहर चलते हैं। देखो प्लीज, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं। ओके बाबा, कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, खाना घर पे मंगा लेती हूँ। नाउ चीयर अप। ओके, जल्दी डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। ओके बेटा, Oh.
प्रदीप। अरे क्या हो गया है तुम्हें, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बबली मुझे लगता है हमारा पास्ट हमें हॉन्ट कर रहा है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी वहाँ नंदिनी पापा और मम्मी को देखा। तुम जानते हो कि क्या हुआ था? कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। आई एम सॉरी। ये बात राज बन के रह गई नंदिनी। तुम्हारी मौत हादसा थी या खुदकुशी? मेरी मौत ना हादसा है ना आत्महत्या। हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरी मौत से पहले मेरी मां 10वें माले से नीचे गिर गई थी। मैंने अपने पापा को भी वैसे ही मरते हुए देखा है। लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना, तुमने आत्महत्या की थी ना? सब तो यही कहते हैं कि पर तुम बोल कैसे रही हो? तुम मुझे बताओ, तुमने आत्महत्या की थी? रिचा किससे बात कर रही हो? मैं यहां नंदिनी अवस्थी की तस्वीर थी माँ, वो मुझसे बात कर रही थी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मां मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले इस सारे कमरे का एटमॉस्फेयर एकदम अलग था और अचानक से पता नहीं कहां से तेज हवा आई और सारी कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लग पड़ी। मां नंदिनी अवस्थी यही अभी मुझसे बात कर रही थी। मां मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मां बेटा ये तुम रात रात पर जागकर जो सब करती हो। देखो माँ, जो रिसर्च मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे जागना पड़ता है। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब काम दिन में भी तो हो सकता है। अब इतनी रात रात पर जागोगी तो पता नहीं क्या क्या सूझेगा, क्या क्या दिखेगा। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। शायद तुम ठीक कह रही हो माँ, मैंने कुछ इमेजिन किया होगा। माँ पापा सो गए? हाँ वो तो कब के सो गए। चलो तुम भी सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आओ।
मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता पाई थी। अपने मम्मी पापा को बचाने में मेरी मौत हुई, लेकिन मेरी मम्मी और पापा की मौत का जिम्मेदार कोई है जिसे अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे मम्मी पापा की हत्यारे नहीं बचेंगे। क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? माँ, हम इस कमरे की लाइट्स ऑफ करके गए थे। हाँ, अचानक मुझे कमरे में कंप्यूटर के चलने की आवाज आई। कंप्यूटर के चलने की? हाँ माँ। कैसी बातें कर रही हो? और ये देखो, ये प्रिंट आउट, ये सब ऑटोमेटिकली हुआ। बेटी, हो सकता है कि नींद में तुमने ये प्रिंट आउट निकाला हो। नहीं डैड, मैंने अभी यहाँ किसी लड़की का साया भी देखा, और जब आप लोग आए तो वो लड़कियां नहीं है डैड, वो अभी यही थी। मैं सच कह रही हूँ। न जाने आज शाम से हर चीज अजीब सी हो रही है। पहले मैंने उस कंप्यूटर में उस लड़की को देखा, और अब तुम कह रही हो कि प्रिंट आउट निकला। मुझे लगता है ये एक साया है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। डैड, आप इन सब बातों को मानते हो? आप कैसी डरावनी बातें कर रहे हैं? मॉम, आप डरिए मत, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मैं सच्चाई का पता लगा के रहूं। मुझे मिस्टर प्रदीप अवस्थी से मिलना है। जस्ट अ मिनट। हेलो अवस्थी जी, आपसे कोई मिलने आया है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? रिचा। रिचा जी, रिचा, ओके, थैंक यू जी। आप जा सकते हैं, लेकिन पहले आप इसमें एंट्री कर दीजिए। ओके, थैंक यू जी। मेरा ही नाम प्रदीप अवस्थी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? देखिए, मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है, और इस वक्त मैं किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रही हूँ। इसी सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। कैसी मदद? जी, मेरा सब्जेक्ट है आत्महत्या, सुसाइड। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
मैं आपसे आपकी बहन नंदिनी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, आप प्लीज यहाँ से जाइए। आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना, आप मेरे पुराने जख्म को रेड़ने आई हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर नंदिनी खुदकुशी। शराब, शराब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो मैं बहुत बुरी तरह तुमसे पेश आता। चली जाओ यहाँ से, गेट अप, गेट अप। क्या हुआ? हाँ? ये लड़की कौन थी? जर्नलिस्ट थी, पूछ रही थी कि नंदिनी ने आत्महत्या क्यों की। Stupid people. आओ बेटी, आओ। बैठो। भाई हमने तो तुम्हारा काम कर दिया। ये है एसीपी साहब, मिस्टर राठौर। हेलो। हेलो। मुझे आपके पापा ने बताया कि आप नंदिनी के भाई से मिलने गई थी। जी, मैं अवस्थी जी से मिलने उनके घर गई थी। अच्छा। मैं नंदिनी के बारे में उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मेरी इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये अवस्थी फाइबर की मूर्तियां एक्सपोर्ट करता है, इसकी रामलाल इंडस्ट्रियल इस्टेट में फैक्ट्री है। यह केस कुछ ऐसा है, 27 दिसंबर की रात को अवस्थी के माँ बाप और उसकी बहन नंदिनी तीनों अपने ही बिल्डिंग के कंपाउंड में मुर्दा पाए गए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद इस बात का पता चला कि तीनों ने या तो एक साथ छलांग लगाकर खुदकुशी की है या किसी ने तो उन्हें दसवें माले से धकेल दिया है। वहां से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिली या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह बात साबित हो कि पीपी अवस्थी ने अपने मां बाप और अपनी बहन नंदिनी को दसवें माले से नीचे फेंका हो। और पीपी अवस्थी देखने में तो ऐसा लगता भी नहीं, और जब यह हादसा होने वाला था उसके ठीक 5 मिनट पहले मिस नंदिनी अवस्थी पुणे से आई थी। वॉचमैन ने उसे ऊपर जाते हुए भी देखा है। यह पहली ऐसी अजीब मिस्ट्री है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस इसे सॉल्व नहीं कर सकी। हमने बाकी के बातों को भी गौर किया, जैसे नंदिनी एमबीबीएस कर रही थी, हर तरफ से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, उसके मां बाप सुखी थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। और सच कहूं तो यह बात मुझे लगी है कि ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सका। तो सर, इस मिस्ट्री में आप किस नतीजे पे पहुंचे? ये मेरी नजर में तो बस एक हादसा है। वो कैसे? ऐसे कि जैसे बालकनी से कोई तो गिर रहा था, उसे बचाने दूसरा गया, दूसरे को बचाने तीसरा गया, बस एक के बाद एक तीनों गिर पड़े। मेरी समझ में तो इतनी बात आई है। ये देखिए सर, मुझे कंप्यूटर पे टाइप किया ये लेटर मिला है। इसमें नंदिनी ने एक खास बात की तरफ इशारा किया। मुझे भी इसी की तलाश है। अब क्या बताऊं एसीपी साहब, कुछ दिनों से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने नंदिनी को दसवें माले से गिरते हुए देखा है, खून से लथपथ तड़पते हुए देखा है। अब यूं समझिए कि मैंने उसे मरते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई तो ऐसा है जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एनीवे, मैं चलता हूं। और हां, ये मैं अपने पास रखता हूं। ओके, आइए आइए।
है वहां? कौन है वहां? मैं तुझे 2 मिनट में फोन करती हूँ, ओके बाय। ये क्या है? पढ़ो इसे। इतनी अजीब सी खबर छपी है, मम्मी पापा और नंदिनी का केस रीओपन होगा, पुलिस फिर से तहकीकात करेगी, अब क्या होगा प्रदीप? देखते हैं क्या होगा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तो तुमसे मदद मांगने आई हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से तीन आत्माओं को इंसाफ मिलेगा। दरवाजा खोलो। नंदिनी, पर नंदिनी तो मर चुकी है ना, तुम नंदिनी कैसे हो सकती हो? हाँ, नंदिनी मर चुकी है, मगर नंदिनी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय लेने के लिए नंदिनी की आत्मा भटक रही है और तब तक भटकेगी जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाता। तुम मुझे ये समझाना चाहती हो कि तुम नंदिनी की आत्मा हो? हाँ, यही समझाना चाहती हूँ तुम्हें। अगर तुम नंदिनी की आत्मा हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि 27 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। बताती हूँ। तो बताओ क्या हुआ था 27 दिसंबर की रात को? उस रात बहुत हो गया जी,
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। शांत हो जाओ निर्मला, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं बताइए। पानी सर से ऊपर हो चुका है, हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। निर्मला मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं निर्मला, मैं। ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। आपकी वजह से तो मैं जिंदा हूं, वरना। निर्मला अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। बस बस बस, कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। ऋचा, तुम ये जानना चाहती हो ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस सबका जिम्मेदार कौन है। बताओ मुझे, कौन है इस सबका जिम्मेदार? ऋचा, तुम ये जानना चाहती हो ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस सबका जिम्मेदार कौन है। बताओ मुझे, कौन है इस सबका जिम्मेदार? वो कौन है ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी ध्यान से सुननी पड़ेगी। उस रात हमारे घर में दो खुशियां मनाई जा रही थी। एक तो मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने की, और दूसरी मेरे भाई की। हमारा ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार था, और मेरे भाई ने मेरे लिए भाभी पसंद कर ली थी। और जो भाभी पसंद कर ली थी, वो भाभी पहली बार हमारे घर खाने पे आ रही थी। अरे माँ जल्दी करो, लगता है भैया आ गए। मम्मी पापा देखो भैया आ गए। मॉम डैड, ये है मेरी फ्रेंड बिमला। फ्रेंड? एनीवे बिमला नहीं, बबली। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही ओल्ड फैशन नाम रखा था, तो मैंने अपना नाम बदल के बबली रख लिया। बबली, ये है मेरी सिस्टर नंदिनी। हाय। हाय। मेरे डैड। हेलो। ये मेरी मॉम। हेलो। कुछ नहीं बेटा, इट्स ओके। हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? चलिए चल के खाना खाते हैं। हाँ हाँ, चलो खाना खाते। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि पहले सारी बातें क्लियर होंगी। Come on, बबली, खाना खाने के बाद भी तो हो सकती है ना? नहीं, मैं पहले आप लोगों से कुछ बातें कर लेना चाहती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, 3 साल से अलग रह रही हूँ, इंडिपेंडेंट। आप लोगों को कोई एतराज? अगर लड़की इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, माँ बाप की मदद नहीं लेना चाहती, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं,
ये बात नहीं है। एक्चुअली मुझे अपने पर्सनल लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं, और यही ये वजह थी कि मैंने अपने पेरेंट्स का घर भी छोड़ दिया। आपको कोई एतराज? नहीं बेटा, हम तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आप लोगों को पसंद हूँ, राइट? बेटा, जिस दिन से तुमने प्रदीप को पसंद किया है उसी दिन से तुम हमारे घर की बहू बन चुकी हो। बस बेटा, मेरी यही की इच्छा है कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स का आशीर्वाद तुम्हें और मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए। क्यों? अगर मेरे पेरेंट्स नहीं आए तो क्या मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने ऐसा तो नहीं कहा। ओके, जब सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं तो खाना खाते हैं। आइए। नमस्ते। कहिए। जी आप मुझे नहीं जानते, मैं प्रदीप अवस्थी का पिता हूं मनोहर अवस्थी, और ये मेरी पत्नी। जा जा, आइए प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज। सुनो भगवान, देखो कौन आया है। हरि प्रसाद जी, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ये सुनकर बहुत खुशी हुई, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये प्रदीप की मम्मी और ये डैडी, ये मेरी पत्नी नलिनी। नमस्ते। 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 आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ, तुम भी आकर बैठो, बैठो। हरि प्रसाद जी, हम आपसे आपकी बेटी बिमला के बारे में बात करने आए हैं। बिमला, माफ कीजिए, हमें बिमला से कोई लेना देना नहीं है और वो यहाँ नहीं रहते हैं। हरि प्रसाद जी, जमाना बदल चुका है, मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है और वो उसे शादी करना चाहता है। अरे उसे रोकिए, रोकिए उसे, उसे समझाइए, उसे मनाइए। देखिए, मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये सर शायद आप गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती और आपका घर छोड़ के जा चुकी है। वो घर छोड़ के जा चुकी है? अरे हम खुद अपने घर को छोड़ के चले आए हैं। देखिए अवस्थी जी, आप बहू के रूप में बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए वरना आप बहुत पछताएंगे। अरे प्रसाद जी, मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं अपने बेटे को ना नहीं कर सकता। शायद आप ठीक कह रहे हैं, कोई तकदीर का लिखा हुआ टाल नहीं सकता है, पर हम दोनों उस शादी में शरीक नहीं होंगे। आपको समझाना मेरा धर्म था और मैंने अपने धर्म का पालन किया है, ये मेरी बदकिस्मती है कि बिमला मेरी बेटी है और उसकी बुराइयां मैं गिनवा नहीं सकता। आगे आप जाने और आपका नसीब। नहीं डैड, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। डैड, बबली आजाद ख्याल और इंडिपेंडेंट लड़की है। बेटा, मैं तुम्हारी पसंद ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लड़की इतनी कम उम्र में अपने माँ बाप का घर छोड़कर चली आई, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनका रोकना टोकना उसे पसंद नहीं है। बेटा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ ये ठीक नहीं समझा जाता। बेटा, मुझे तो लगता है ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी, और हो सकता है बाद में तुम्हें पछतावा भी हो। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, मुझे पछताना नहीं पड़ेगा, और देखिए मैं आपके इस ख्याल को गलत साबित करके रहूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी खुशी है। थैंक यू डैड। क्या
ना चाहते हुए भी रिचा पापा मान गए और बहुत मुश्किल से उन्होंने मम्मी को भी मना लिया। हमारे घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई मगर बिमला ने सबसे पहला झटका तब दिया जब उसने परंपरा के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। उसने जरा भी नहीं सोचा कि माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है जब पूरे परिवार के साथ उनकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है। खैर पढ़ाई के सिलसिले में मैं पूरा में रहती थी। हाँ मेरा आना जाना जरूर लगा रहता था लेकिन घर का माहौल बदलने लगा था। मगर इस बात के बारे में किसी ने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी और वहां भाभी ने पूरा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरे भैया को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जिस बात का पता मुझे बहुत बाद में पता चला। दो मिनट प्लीज। देखो बबली मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूं। दो मिनट रुको प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा बाबा बोलो क्या बात है। मानोगे ना आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। बोलो क्या बात है। देखो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है ना ये तुम्हें उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बात मानो तो केमिकल की लाइन में चले जाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। बबली ये तुम क्या कह रही हो। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा खासा जमा हुआ है और तुम चाहती हो कि एक जमा जमा बिजनेस छोड़कर मैं एक नया बिजनेस शुरू करूं। तो इसमें हर्जी क्या है। अब ये बिजनेस पापा ने तब शुरू किया था जब पापा ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे बस और ट्रकों की लाइन में चले गए। पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। कह तो तुम ठीक रही हो पर क्या पापा मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे। तुम तो कहते थे कि पापा मुझे बहू के रूप में भी नहीं स्वीकार करेंगे। हमारी जो अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसे भी रिजेक्ट कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ ना। देखा मैंने पापा को तो मना लिया। अब तो मेरे लिए इतनी सी बात नहीं कर सकते पापा से। वो तो ठीक है बबली लेकिन बिजनेस की बात करना। प्लीज एक बार ट्राई तो करो प्लीज। ओके खुश। धीरे धीरे बिमला भाभी ने सारा का सारा कारोबार अपनी मुट्ठी में कर लिया। बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ भैया पापा से जो भी पेपर पर दस्तखत कराते इस बात का पता था। पापा को बहुत बाद में पता चला। अरे वस्ती जी आप आ गए। आपने अर्जेंट फोन किया था इसलिए मुझे आना पड़ा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए चलिए आइए आइए बैठिए प्लीज। क्या बात है हरिप्रसाद जी आपने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। अवस्थी जी आप जानते हैं मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूं और रोजाना मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। आज मुझे पता चला है कि आपने अपने ट्रांसपोर्ट के कारोबार की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हाँ हरिप्रसाद जी अब मेरे रिटायर होने के दिन आ गए हैं। बेटे की शादी हो गई है इसलिए मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने बेटे के कंधों पर डाल दिया है और निश्चिंत हो गया हूँ। आप इतने निश्चिंत हो गए कि आपको अपने बेटे के विश्वासघात का पता ही नहीं चला। हरिप्रसाद जी ये आप क्या कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं। मैंने आपको खबरदार किया था कि आप मेरी बेटी के रूप में एक मुसीबत को अपने घर लेके जा रहे हो पर उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी। आज उसका भयानक नतीजा आपके सामने आने वाला है। हरिप्रसाद जी आप किस नतीजे के बारे में कह रहे हैं। मेरी बेटी ने आपके बेटे को बहका कर आपके ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार आपके राइवल ग्रुप पवन ट्रांसपोर्ट को बेच दिया है। क्या अविस्ती जी
आपके बेटे ने आपसे ऐसे कागजात पर दस्तखत करवाए होंगे जो आपने उस कागजात को चेक नहीं किया होगा, देखा थक भी नहीं। आपका सारा पैसा केमिकल के धंधे में लगने जा रहा है, आप डूबने वाले हैं। अगर आप इन हालात से निकलना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं तो आप जल्दी कीजिए, सिर्फ जल्दी, वरना। प्रदीप। यस डैड। बेटे ये क्या किया तूने? मेरा सारा जमा जमाया कारोबार, मेरी गुडविल सब कुछ बेच दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। डैड इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज जमाना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इस केमिकल की फील्ड में तरक्की कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। और आप शायद जानते नहीं पर बबली को इस केमिकल फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है। अरे बबली बबली, बेटा तुम हर बात में बहू को हमारे रास्ते की जंजीर बनाकर क्यों खड़ी कर देते हो? अरे नापसंद होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी शादी उससे करा दी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी। डैड अब जो भी मैंने आपसे कहा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बबली को ये सब पसंद है। नहीं बेटा मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अरे वो बेवकूफ लड़की तुम्हें तबाही के रास्ते पर ले जा रही है और मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा। मनोहर अवस्थी जी अब बहुत देर हो गई है। क्या देर हो चुकी? आपने अपने हाथों से अपना सारा कारोबार मेरे हवाले कर दिया है। अब सब कुछ मेरे नाम पे है, अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। प्रदीप ये क्या कह रही है बहू? डैड बबली ठीक कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तूने बेटा होकर अपने बाप के विश्वास को धोखा दिया? ओह कम ऑन डैड, इससे फर्क क्या पड़ता है? एक न एक दिन ये बिजनेस मेरा होना ही है। अरे अपना कारोबार तुम्हारे हाथों में सौंपते हुए मुझे खुशी होती, लेकिन तुमने बहू के बहकावे में आकर अपने बाप की पीठ में छुरा घोंप दिया। अवस्थी जी ये मत भूलिएगा कि इस वक्त आप अपने नहीं मेरे ऑफिस में खड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि आपकी ये बकवास ऑफिस वाले सुने। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। श्योर। एक काम कीजिए, घर जाइए, अपनी जबान बंद रखिए और अपने बुढ़ापे के दिन अपनी बीबी के साथ शांति से गुजारिए। आप जा सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का अपमान करने की? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बिना मेरी परमिशन के मेरे बेडरूम में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक बात और, मुझे बदतमीजी बर्दाश्त करने का कोई शौक नहीं। अगर आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो याद रखिएगा अच्छा नहीं होगा। क्या समझी मदर इन लॉ? क्या कहा तूने? इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। अगर इस घर में रहना है तो अपनी जबान बंद रखिए, वरना आप तो जानती हैं बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खुले हैं इस शहर में, आप दोनों को वहीं पटक के आ जाऊंगी। आने दे प्रदीप को, उसी से बात करती हूँ मैं। सासू माँ अब आपने किसी श्रवण कुमार को तो पैदा नहीं किया। एक बात और याद दिलाना चाहूंगी, एक बेटी भी है आपकी, उसकी शादी वादी भी करानी होगी। अगर आपने मेरे पति के सामने अपनी जबान खोलने की जरूरत की तो उस बेटी के फ्यूचर का सत्यानाश करके रख दूंगी मैं, समझी आप? नाउ आउट। रिचा, विमला ने मेरी मम्मी पापा की जिंदगी को नर्क बना दिया। रोज रोज के झगड़े, ताने और गालियां उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उन दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। अपने बेटे के विश्वासघात से वो इतने टूट चुके थे कि उनके सामने सिर्फ मौत ही एक रास्ता था। मैं एक दो दिन के लिए आती जाती थी,
मगर वो दोनों इतने स्वाभिमानी थे कि किसी के भी सामने हाथ फैलाने से अच्छा उन्होंने मर जाना समझा। और एक दिन जी कहिए बेटी, मेरा नाम हरि प्रसाद है, आप मुझे नहीं जानती, मैं बिमला का बाप हूं। अरे आप बिमला भाभी के पापा हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते। आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं क्योंकि आज पहली बार देखा है आपको। कोई बात नहीं, आइए प्लीज। हाँ। बैठिए। हाँ जी अंकल कहिए। देखो बेटी, मैं बहुत जल्दी में हूं मगर तुमसे मिलना भी बहुत जरूरी था। तुम जानती हो कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारे माँ बाप दोनों बहुत तकलीफ में हैं। तकलीफ में है? हाँ, और उसके जिम्मेदार मेरी बेटी बिमला और तुम्हारे भाई हैं। दोनों रात दिन मिलकर उनका अपमान कर रहे हैं। क्या? हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है क्योंकि तुम कुछ दिन के लिए बंबई जाती हो और फिर वापस पुणे चली आती हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हारे भाई ने ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार बेच दिया है और आंखें मूंद कर मेरी बेटी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। नंदनी बेटी, अगर तुम्हारे माँ बाप को जल्दी उस घर से नहीं हटाया गया तो वो लोग घुट घुट कर मर जाएंगे। बस बेटी, मुझे इतना ही कहना था, अब मैं चलता हूं। अरे अब तक तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, नंदिनी के आने का वक्त हो गया। रुको, ये लो। क्या ये? तुमसे तो मैं तंग आ चुकी हूँ प्रदीप, तुम्हें याद नहीं है इन पेपर्स पे हमें नंदिनी के सिग्नेचर्स चाहिए थे। ओह आई एम सॉरी, लाओ दो। तुम्हारी बहन को वैसे भी आने की और जाने की जल्दी लगी रहती है, आज जब आए आते ही सिग्नेचर्स ले लेना। ओके। एक बात और, बुढ़े बुढ़िया को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वैसे भी उन्हें याद ही कहाँ होगा कि नासिक वाली प्रॉपर्टी उन्होंने नंदिनी के नाम कर रखी है, समझे तुम? स्वीटहार्ट, यू आर जीनियस। डैड, हमारा सब कुछ तो छीन लिया तूने। अरे अब अपनी बहन का भी सब कुछ छीन लेना चाहते हो? अच्छे बेटे तो तुम कभी बन ही नहीं पाए, अरे कम से कम एक अच्छे भाई तो बन जाते। मिस्टर मनोहर अवस्थी, चुप रहिए आप। चुप रहो तुम, हमारा जीवन तो नरक बना ही दिया, अरे हमने सब बर्दाश्त कर लिया, अपनी बेटी तक को पता नहीं चलने दिया। अरे कल को उसकी शादी होगी, ये जमीन उसके लिए तो रहने देते? अब आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? ये वो प्रदीप नहीं है जिसे हमने जन्म दिया, ये तो अपनी बीवी का गुलाम है, गुलाम। खबरदार जो अब एक लफ्ज भी मेरे पति के बारे में बोला तो। चिल्ला क्यों रही है? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अरे मैं तो तेरे इस कमरे में कदम तक नहीं रखना चाहती। सुनिए जी, इतना अपमान सहने से तो अच्छा है कि हम कहीं सड़क पर जाकर बैठ जाएं। चलिए। हाँ हाँ, तो चले क्यों नहीं जाते आप लोग? अरे चला जाऊंगा, मैं नंदिनी का इंतजार कर रहा हूँ, उसके आते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ सुन रहा हूँ, आप लोग अभी जाएंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। मैंने कहा फाइल छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा फाइल छोड़िए। नहीं। निर्मला! पापा, 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 पापा,
नंदिनी, अगर दुनिया में ऐसे ही भाई ऐसे ही बेटे होने लगे तो सबका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। और ऋचा, उसके बाद जो जो बिमला भाभी चाहती रही वो होता रहा। केमिकल के बिजनेस में लगाया हुआ सारा रुपया डूब गया था। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो पहले ही ठप हो चुका था, अब उनकी नजर मेरी नासिक वाली जमीन पर थी, जिसे हड़पने के लिए भैया और भाभी ने नकली कागजात बनवाए और उस पर मेरी चाली दस्तखत कर दी है। पर नंदिनी, इस जुर्म के लिए तो उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस सजा से उनका क्या होगा? फिर उन्हें सजा तो मैं दिलवाऊंगी। हाँ, मैं उन्हें सजा दिलवाऊंगी। नंदिनी, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? ऋचा, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम नासिक वाली जमीन का सौदा कर लो और जो भी नकली कागजात हैं वो सब सामने आ जाएंगे, और उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगी। ठीक है नंदिनी, ऐसा ही होगा। अरे गिरदारी साहब, जब आपने अहमद भाई को कह दिया है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठिए। हाँ, उसी दामों में बिकवाऊंगा भाई जिस दामों में आपने मुझसे कहा है। अरे इतने पॉश इलाके में आपका इतना बढ़िया फ्लैट है, कई ग्राहक तैयार खड़े हैं भाई लेने के लिए, आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, उसी दामों में बिक जाएगा और एक महीने के अंदर बिक जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे ऋचा जी, आइए बैठिए। थैंक यू। और बताइए ऋचा जी, खन्ना साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। मुझे मिस्टर प्रदीप अवस्थी से मिलना है। प्रदीप अवस्थी जी सर? लेकिन आपके फादर खन्ना साहब ने तो अवस्थी जी के फ्लैट का सौदा कैंसिल कर दिया था। एक्चुअली मैं फ्लैट के बारे में कोई बात नहीं करने आई हूँ। अच्छा, तो फिर किस लिए आई हैं आप? मिस्टर प्रदीप अवस्थी की एक बहन थी नंदिनी अवस्थी, उसके नाम पे कोई नासिक वाली जमीन थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, प्रदीप अवस्थी जी ने मुझे बताया था, और मुझे ये भी मालूम है कि अवस्थी जी उस जमीन को बेचना चाहते हैं। तो बस मैं उस जमीन को खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज अवस्थी साहब से फोन पे बात कर लेता हूँ और उनसे शाम को मिलने का वक्त तय कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फोन करके इत्तला कर दूंगा। हेलो अवस्थी साहब। अरे अहमद जी, आप? मैं आपके इस फ्लैट के लिए पार्टी लाया हूँ। अच्छा, कहाँ है पार्टी? तुम तो जर्नलिस्ट हो ना? देखिए, मैं कोई जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट नहीं हूँ। एक्चुअली ये फ्लैट मैं इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि किसी ने मुझे कहा था ये फ्लैट हॉन्टेड है। अब देखिए, आपको गलत फहमी है, कोई हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं। अरे अवस्थी साहब, क्या ये सारी बातें आप यहीं दरवाजे पे खड़े रहकर करेंगे? आई एम सॉरी, प्लीज कम, आइए। आओ आओ अहमद भाई। बबली, ये मिस खन्ना है, ये अपना फ्लैट और नासिक की जमीन लेने में इंटरेस्टेड है, और ये अहमद भाई है, एस्टेट एजेंट। हेलो मैडम। हेलो प्रदीप भाई, थोड़ी देर के बाद इनके फादर खन्ना साहब भी आने वाले हैं। अच्छा, तब तक आप इन्हें प्रॉपर्टी के कागजात क्यों नहीं दिखाते? हाँ क्यों नहीं, बबली कागजात ले। ओके, प्लीज कम, बैठिए। आइए मैडम, थैंक यू। और सुनाइए अहमद मियां। बस अल्लाह का करम है, आप बताइए। सब ठीक ठाक। मिस्टर अवस्थी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। प्लीज पूछिए। आपकी सिस्टर नंदिनी ने ये नासिक वाली जमीन के पेपर्स कब साइन किए थे? अब ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हैं आप? जब मेरे डैड ने ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, उसी वक्त साइन किया था। ये रही वो फाइल।
लगता है खन्ना साहब आ गए। आप बैठिए वसी साहब, मैं जाकर देखता हूँ, प्लीज। अरे खन्ना साहब आप? ये एसीपी राठौर साहब हैं। हेलो सर। हेलो। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा सर। आइए खन्ना साहब, प्लीज कम। अरे एसीपी साहब, आप यहाँ? मिस्टर खन्ना हमारे पुराने दोस्त हैं। हेलो सर। प्रदीप अवस्थी। इन्होंने कहा कि एक प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं और आप एज अ विटनेस साइन कर दीजिए, हम आ गए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। बेटी वो नासिक वाली जमीन के कागजात देख लिए तुमने? हाँ पापा। मिस्टर प्रदीप अवस्थी एक फ्रॉड है। और इन पेपर्स पे इन्होंने अपनी बहन के जाली दस्तखत किए हैं। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैंने कोई जाली दस्तखत नहीं किए। जी हाँ, और इन्हें असली साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? और इसे नकली साबित करने के लिए आपके पास कौन सा सबूत है? मेरे पास। सबूत मैं नहीं। नंदिनी नहीं, नहीं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नंदिनी। मैं इसी मौके की तलाश में थी। तुमने तो बड़ी सफाई के साथ मेरे माता पिता को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया और उन्हें बचाते बचाते मैं भी मौत का शिकार हो गई। और आप बड़ी आसानी से सारी जायदाद हड़प गए। नहीं नंदिनी। और सारी फसाद की जड़ ये औरत है। मिस्टर अवस्थी, क्या आप अपने माँ बाप के कातिल हैं? नहीं, नहीं, नहीं। कातिल? कातिल तो इनके लिए बहुत ही अच्छा शब्द है। भेड़िया, शैतान, वहशी, क्या कहूं तुम्हें? इन्होंने मेरे माँ बाप को बहुत अपमान और बेइज्जती की जिंदगी दी है। उन्हें इतना तंग किया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। बोलो, बोलो, क्या ये सच है या नहीं? हा, 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 ये सच है, ये सच है। नंदिनी, मैं इस औरत के बहकावे में आ गया था और मुझसे गलती हो गई। नंदिनी, मुझसे गलती हो गई। अरे मेरे साथ तुम भी अपने माँ बाप की कमी नहीं औलाद हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया तुम्हारी शेप आगे किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम तो फिर भी पराई घर से आई थी, मगर भैया तुम्हें तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो इकलौते वारिस थे ना। तुम्हारा खून इतना सफेद कैसे हो गया? मिस्टर प्रदीप अवस्थी, किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, यह हत्या से भी बड़ा गुनाह है। और अभी तुमने मेरे सामने कबूल किया है कि तुमने अपने माँ बाप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। नंदिनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो नंदिनी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी हत्या नहीं की, मगर तुमने मेरे माँ बाप को बहुत बेइज्जती और जिल्लत भरी जिंदगी दी है। तुम उनकी मौत के जिम्मेदार हो और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नंदिनी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। अरे तुम तो पूना में थी।
मम्मी पापा ही आ रहे थे। तो आप मुझे सच बताना चाहते हैं? हाँ। चलिए सच मैं आपको बताती हूँ, अपनी जबानी नहीं, मम्मी पापा की जबानी। मम्मी पापा, भैया ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों ने आत्महत्या इनकी वजह से नहीं की। नहीं, नहीं, नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम जैसी औलाद मेरी कोख में पल रही है तो मैं तुम्हें जन्म से पहले ही मार देती। और बबली, तुमने हमें क्या दिया? अरे हमने कितने अरमान से अपने बेटे का ब्याह किया था, तुम्हें हमने बहू का नहीं बेटी का दर्जा दिया था, और तुमने हमें क्या दिया? मौत? भगवान, ना तो ऐसा बेटा किसी को दे, ना ही ऐसी बहू। बस अब तुम दोनों को भी वही सजा मिलेगी जो तुमने मेरे माँ बाप को दी है। नंदिनी माफ कर दो।